गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फोर्थ। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुश्किल में फंसाने के तरीके सोचते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और विद्या पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मामले से कुछ होता नहीं था। दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा सरा अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों से धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। इस नकली अक्ल बहादुरी की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब ने, इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर के तीसरे सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा सरा नाक भौंनी सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तुम्हारी बात, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखो। ये आपके क्वेश्चनों के आंसर आपको खुद लिखना है। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछती?
ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देती। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? बस नीचे लिखो लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाता ही हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को निकाल देती। आपको ये वाक्यों को लिखना और पढ़ना है। बस आप रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। आप इसी तरह चल शब्द के वाक्य बनाओ। संकेत चल, चल चल, चला चले, चलना चलती चलो। ये शब्दों को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। खोजो कहानी। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों का सबका मुंह बंद कर दे। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजी जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। अब आपको ये करना है, इसको छोड़ देना है, इसको करना है नीचे वाले को। एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह लिखो। बुद्धिमान की जगह क्या हो सकता है? ज्ञानी। ऐसे आपको मूर्ख की जगह अज्ञानी, ठीक है? तो आपको पर्यायवाची लिखनी है इसकी, ठीक है? अभिमान। अभिमान का क्या होता है? अहंकार, विश्वास, भरोसा, संसार, विश्व, कोशिश। कोशिश का क्या होगा? मेहनत। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना, कलई खुलना। नाक भौं सिकोड़ना मतलब नफरत करना, कलई खुलना होश अकल खो देना। आपका चैप्टर खत्म हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।